नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। गुरुवार से एमपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। इस दौरान जेल में बंद एक महिला कैदी भी परीक्षा देने पहुंची। पुलिस सुरक्षा में उसे जेल वाहन से परीक्षा केंद्र तक लाया गया। वह एक व्यक्ति से मारपीट के आरोप में जेल में बंद है। परीक्षा के बाद उसे जेल वाहन से वापस जेल ले जाया गया। बता दें कि 4 फरवरी को शहर के नाना खेड़ी इलाके में एक 30 वर्षीय युवक के साथ मारपीट की गई थी। उस पर आरोप था कि वह घर के सामने रहने वाली एक युवती से छेड़छाड़ करता है। युवती के परिवार ने युवक के हाथ पैर बांधकर उसे सड़क पर घसीटा था। युवती ने डंडे से उसके साथ मारपीट की थी। काफी देर तक युवती उस पर लाठियां बरसाती रही। पुलिस ने मामला डेढ़ कर युवती और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। तभी से आरोपी युवती जेल में बंद है। वह कक्षा 12वीं की छात्रा है। गुरुवार से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा में उसे भी पेपर देना था। जेल प्रशासन ने उसे एग्जाम देने की अनुमति दी। शहर के शारदा विद्या निकेतन में उसका परीक्षा केंद्र था। जेल से पुलिस की मौजूदगी में संध्या को एग्जाम दिलाने ले जाया गया। सुबह 8 बजे उसे जेल से बाहर निकाला गया और जेल वाहन से परीक्षा केंद्र पर ले जाया गया। एग्जाम के दौरान पुलिस केंद्र के बाहर पहरा देती रही। पेपर पूरा होने के बाद उसे फिर वाहन से वापस जेल ले जाया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा देखा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा देखा रीवा।